अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज हम बहुत ही हेल्दी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं, और ये लोग आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट रेसिपी है, और ये आप दोपहर के एज अ मील भी आप इसको दोपहर में ले सकते हैं। 1 कप मैंने लाल लोबिया ले लिया था, रेड बीन्स जो जिसे भी कहते हैं ये ले लिया, आपको जितना खाना उतना ले लीजिएगा। और उसके अलावा मेरे पास इसमें खीरा है और ये प्याज, ये ऐड करेंगे। ये मेरे पास थोड़ी सी मिक्स वेजिटेबल थी, ये मैं ऐड करूँगी इसमें। और ये इतनी हेल्दी है, आप लोग चाहें तो इसको ये देखें। और थोड़ा सा जो है ये ग्रीन पार्ट है अनियन का, हरी प्याज का, वो मैंने ले लिया है। और ये 5 मिनट भी नहीं बन लगते इसको, और ये तैयार हो जाती है। बस चीज़ें आपके पास कट हो तो आप फ़ौरन बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें कुटा हुआ मसाला ऐड करूँगी, ज़ीरा, धनिया पाउडर फ्लेवर के लिए, और रेड चिली ताकि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। सॉल्ट ऐड करेंगे। अच्छा, जो लोबिया है मैंने इसको इस तरह बॉईल किया था, ये मैं सॉल्ट ऐड कर दूँ। मैंने इसके अंदर जो है रात में, मैंने इसको देखिए कितने बड़े बॉईल हुए हैं, मैंने रात में जो है इसको बॉईल करके भिगो के रख दिया था। उसके बाद सुबह मैंने मॉर्निंग में ये किया कि वो पानी इसका डिस्कार्ड करके इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया। चूल्हे पर चढ़ाने के बाद मैंने इसमें सोडा और नमक डाल के इसको छोड़ दिया, और ये देखें ये कितनी अच्छी तरीके से ये गल गए हैं, ये देखें इस तरीके से। तो आप लोग भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। बहुत ही हेल्दी है, बच्चों को दें, इसको आप कीमे भी बना सकते हैं, वो भी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें टेस्ट के लिए केचप ऐड कर रही हूँ, ज़रा सा, इससे ये टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है इसका। और इस तरीके से ये हमारा दोपहर का मेरा तो मील हो गया है। जैसे दोपहर में मैं ये खा लूँगी स्पून के साथ, क्योंकि ये थोड़ा हैवी होता है लोबिया, तो आप लोग जो हैं इसको वेजिटेबल के साथ मिक्स करके खाएं। और जैसे हाफ़ खा लें अगर इतना नहीं खाया जा रहा तो, और हाफ़ शाम में खा लें जितनी भूख हो उतना, क्योंकि ज़्यादा आप लोग फुल पेट खा लेंगे तो फिर ये जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है, मुझे तो होता है। ठीक है, रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।